डेल्टा वॉइस पर हैं आप, स्वागत है आपका। मैं ये आपसे समझने की कोशिश कर रहा था, एक फिल्म रिलीज होती है, एक कलाकार की फिल्म रिलीज होती है और उससे पहले इस तरह का प्रोटेस्ट होता है और प्रोटेस्ट करने वाले हिंदूवादी संगठन नेता के लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को? देखिए, पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल का कि आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया है। इसीलिए विरोध करते हैं कलाकार की पिक्चर का, और विरोध करना चाहिए, जो हिंदुस्तान की छवि को खराब करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं कि हिंदुस्तान में असहिष्णुता दिखाई दे रही है। उन्हें असहिष्णुता हिंदुस्तान में कैसे दिखाई दे रही है? आज के वातावरण में हिंदुस्तान में उस समय असहिष्णुता दिखाई नहीं दी जिस समय गौरव और सचिन का कत्ले आम करके पूरे गांव में रेड़ी पे घुमाया गया। पर प्राची जी, के द्वारा पर प्राची जी, जिस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्या ये वाकई इंटॉलरेंस नहीं है? क्या ये वाकई असहिष्णुता को बढ़ावा नहीं देता इस तरह का बर्ताव? ऐसे लोगों के खिलाफ होना चाहिए मोर्चा, खोल देना चाहिए हर देशभक्त को जो हिंदुस्तान की छवि को खराब करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, हिंदुस्तान को जो बदनाम करने का एक गहरा जिनकी साजिश है, उनके खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन होना चाहिए। मैं समर्थन में हूं। लेकिन इस तरह के प्रदर्शन से जो आम जन जीवन डिस्टर्ब हो रहा है, जो आम लोग वहां पहुंचे थे फिल्म देखने के लिए, उनको जो दिक्कतें आई, वो जो परेशान हुए, जो फिल्म के निर्माता हैं और खासकर जो फिल्म चला रहे मल्टीप्लेक्सेस के मालिक, उनको जो दिक्कत हो रही है, क्या ये इंटॉलरेंस नहीं है प्राची जी? उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए ऐसे लोगों को क्यों ले रहे हैं जो हिंदुस्तान खराब कर रहे हैं। क्या उनको मालूम नहीं है? क्या उनको मालूम नहीं है कि वो बयान दे रहे हैं कि अखबार पढ़ते ही उनको उनकी पत्नी को डर लगता है? ऐसे लोगों को, जो लोग हिंदुस्तान की छवि को खराब करने का एक इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको क्या इनको पता नहीं है, मालूम नहीं है? जब मालूम है और पैसा लगा रहे हैं तो फिर भोगो।